तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का कितना काइंड है? थ्री काइंड्स है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं। जो एग्जैक्ट हो उसको डेफिनेट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का भी टू काइंड्स है, एक होता है कॉर्डिनल्स और एक होता है ऑर्डिनल्स। ठीक है, जो एग्जैक्ट कुछ नंबर को शो करता है उसे कहते हैं कॉर्डिनल्स, और जो सीरीज में यानी ऑर्डर में शो करता है उसे कहते हैं ऑर्डिनल्स। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दीज एडजेक्टिव आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि कौन सा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का टू टाइप्स होते हैं। एडजेक्टिव डैट टेल एग्जैक्ट नंबर सच एज 1, 2, 3, ये एग्जैक्ट नंबर हो गया, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? कॉर्डिनल्स। ठीक है, और एडजेक्टिव डैट टेल्स ऑर्डर ऑफ अ थिंग इन अ सीरीज सच एज 5th, 6th, आगे ना सीरीज में 7th, तो ये सारा जो है उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑर्डिनल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का दो होता है टाइप्स, एक होता है कॉर्डिनल्स और एक होता है ऑर्डिनल्स। अब हम लोग आएंगे इनडेफिनेट में, ये तो डेफिनेट था जिसमें एग्जैक्ट को शो कर रहा था, इनडेफिनेट क्या होगा जिसमें एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो एग्जैक्ट नंबर को शो नहीं करेगा। एडजेक्टिव डैट डू नॉट टेल एग्जैक्ट नंबर आर कॉल्ड इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखे थे 1, 2, 3, 4, 5, 100, ये सारा आ गया किसमें? आपका डेफिनेट में। और इनडेफिनेट में क्या आ जाएगा आपका? जैसे कि जो एग्जैक्ट नहीं होगा, जैसे कि नो, मेनी एंड ऑल, सम एक्सेट्रा, तो ये सारा क्या हो गया आपका? इनडेफिनेट आर्टिकल, सॉरी इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब हम लोग आएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से ही पता चल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव किसे कहेंगे। एडजेक्टिव डैट रेफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल हम लोग क्या लिए हैं? इच, एवरी, इधर, निधर, ये सारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, अब हम लोग आएंगे इसके फोर्थ जो है उस काइंड पे, उस पे आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे जानेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो पॉइंट आउट करते हैं किसे? नाउन को। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इसका हम लोग देख लेंगे, वर्ड दैट पॉइंट्स आउट द नाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें सबसे इजी यहाँ पे है जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, ये सारा रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव, जो नाउन को पॉइंट आउट करेगा। उसी तरह इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव तो हम लोग जानते हैं जहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो वर्ड दैट इज यूज्ड विद द नाउन टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, वो क्या कहलाता है आप लोगों का? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है हुज बुक इज दिस, यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है ना, आस्किंग क्वेश्चन है हुज, उसके बाद नाउन है बुक, यहाँ पे है विच, उसके बाद है कार, ये नाउन हो गया, बुक भी नाउन है, कार भी नाउन है, और ये हुज एंड विच क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव, वर्ड डैट इज यूज्ड विद द नाउन टू शो इट्स पोजिशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये क्या शो करता है? नाउन के पोजिशन को। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पॉजिटिव एडजेक्टिव, जिसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में दिस, हर, योर, देयर, ये सारा रहेगा, क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। जैसे हम लोग बोलेंगे हर नेम इज़ रवि, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलें हर नेम इज़ रवि, तो हर नेम लिखे यहाँ पे, हर नेम इज़ रवि, तो हर जो है वो क्या हो गया हम लोगों का यहाँ पे? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब हम लोग आते हैं एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, ठीक है, यानी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर आते हैं। ठीक है, अभी इसे पहले देखे थे तो
एडजेक्टिव का हम लोग काइंड्स देखे थे, अभी हम लोग आएंगे कि डिग्री एडजेक्टिव का डिग्री क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो ये तीनों को भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो एडजेक्टिव का कितना डिग्री होता है, 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं वो देख लीजिए। इट इज़ यूज टू टेल सम क्वालिटी ऑफ अ नॉन विदाउट एनी कंपेरिजन। ठीक है, हम लोग जानते हैं जहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री की बात आती है तो वो कंपेयर किया जाता है। प्रीवियस क्लास में आप पढ़ भी चुके हैं कंपेरेटिव डिग्री, जो दो थिंग्स के, दो पर्सन के बीच में अगर कंपेयर किया जाएगा देन वो क्या होता है, कंपेरेटिव डिग्री। एंड दो से ज़्यादा जब रहेगा तो क्या हो जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री क्या करता है, बिना किसी कंपैरिजन के वो सिर्फ क्या बताता है, नॉन की क्वालिटी को, जिसको हम लोग कह सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो आपने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में पढ़ा था वही होता है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री। ठीक है, तो ये यूज़ क्या किया जाएगा, सिर्फ जो नॉन की क्वालिटी को बताता है बिना किसी कंपैरिजन के। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, राहुल इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे राहुल जो है वो नाउन है और वो कैसा बच्चा है, गुड है। ठीक है ना, तो गुड क्या हो गया, इसका पॉजिटिवनेस है। ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब हम लोग आएंगे कंपरेटिव डिग्री पे। ठीक है, कंपरेटिव डिग्री, इट इज़ यूज टू कंपेयर टू नॉर्म्स। आप भी बताए थे कि जब जो है, जो दो चीज़ के बीच में कंपेयर किया जाता है, दो नॉन्स हो गया, अब दो नॉन्स में कुछ भी हो सकता है, किसी का नेम भी हो, कोई दो पर्सन भी हो सकता है, थिंग्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि तो इट इज़ यूज टू कंपेयर टू नॉन्स, वी यूज़ दैन टू शो कंपेरिजन। ठीक है, हम लोग इसमें क्या यूज़ करते हैं, दैन का यूज़ करते हैं। ये बहुत बड़ा चीज़ है कि अगर हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं तो अगर ये हम लोग को दिखेगा दैन, तो हम लोग जान जाएंगे कि ये क्या है, कंपरेटिव डिग्री है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राहुल इज़ स्ट्रॉन्गर दैन विशाल। तो यहाँ पे दो के बारे में है, दो नाउन है, एक है राहुल नाउन और दूसरा नाउन क्या है, विशाल। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो उसके शो करने की, कंपेयर करने के लिए क्या यूज़ किया गया है, देन। ये क्या हो गया आपका, कंपरेटिव डिग्री। ठीक है, तो हम पहचान गए कंपरेटिव डिग्री में क्या यूज़ होता है, देन। तो दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये शो कर रहा है, यानी कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जो दो से, यानी कंपेयर किया जाता है दो से ज़्यादा नॉन के बीच में कंपेयर किया जाएगा देन, उसे क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन टू नॉन्स। ठीक है, जैसे हम लोग कंपेरेटिव डिग्री में सिर्फ दो नॉन के बीच में कंपेयर करते हैं, और दो से अगर ज़्यादा रहेगा तो हम लोग किस में यूज़ करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। सपोज़ कि आप और आपके बगल में एक बच्चा, आपका फ्रेंड बैठता है, दोनों के बीच में अगर कंपेयर करना होगा तो वो हम लोग क्या करेंगे, कंपरेटिव डिग्री का। बट पूरे क्लास के साथ कंपेयर आपको करना होगा तो क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़। ठीक है ना, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग को क्या लगाना होता है, दा, जो आपका आप पढ़ चुके हैं किस में, आर्टिकल में। राहुल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल बॉयज़। तो यहाँ पे राहुल जो है लिखे हैं, नेम जो है कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे मेरे माइंड में एक नेम आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है राहुल। बट ये नहीं है कि राहुल आप कुछ भी है, कोई सा आप खुद भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि राहुल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल बॉयज़। ठीक है ना, तो यहाँ हम देखें सुपरलेटिव डिग्री में दा भी देख लिए कि दा यूज़ हुआ है, और स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल बॉयज़। तो यहाँ पे दो के बीच में नहीं है, अमंग किस में कहते हैं, जब दो के बीच में कंपेयर होता है तो बिटवीन यूज़ किया जाता है, दो से ज़्यादा के बीच में कंपेयर होता है तो अमंग का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे
ज़्यादा लोग हैं, इस वजह से यहाँ पे अमंग है। तो क्या बता रहे हैं कि राहुल इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल बॉयज़, सभी बॉयज़ में राहुल जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है,